प्रदेश में लगातार बीजेपी के नेताओं को जनता और किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आज गांव शाहपुर में भी करनाल लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। नाराज किसानों द्वारा मनोहर लाल को रोड शो के दौरान काले झंडे दिखाए और नारेबाजी। दौरान किसान मनोहर लाल का विरोध कर रहे थे, उन्हें काले झंडे दिखा रहे तो मनोहर लाल ने किसानों की ओर हाथ हिलाया और धन्यवाद करके निकल गए, लेकिन बाद में भी किसान नारेबाजी करते रहे। आपको बता दें कि भाजपा करनाल लोकसभा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज इस्त्राना विधानसभा में रोड शो था और रोड शो गांव की खेत से शुरू हुआ होकर जैसे ही शाहपुर पहुंचा तो किसान भी जीटी रोड किनारे तिरंगा झंडा और काले झंडे लेकर खड़े, जिनके विरोध का मनोहर लाल को सामना करना पड़ा। वहीं मौके पर मौजूद किसानों ने कहा कि हम यहां पर विरोध करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि मनोहर लाल से सवाल पूछने के लिए आए थे। जब प्रशासन द्वारा उनके किसान साथियों को नजरबंद कर लिया गया और उन्हें सवाल नहीं पूछने दिए गए तो फिर नाराज किसानों द्वारा उनका विरोध किया गया और उन्हें काले झंडे दिखाए गए। तेरह दाने किसान वहाँ बैठे थे, इसने वहाँ किसानों को गोली किल कटवाई थी, आज गांव में क्यों करने आ रहे हैं, क्यों वोट मांगने आ रहे हैं? तो ये आज इसे सवाल पूछना था, ये भाग गया, आज तो पुलिस का सहारा ले गया, कुछ टाइम के लिए पुलिस का सहारा लेगा, जब इनकी सरकार जाएगी तब किस चीज का सहारा लेगा? खट्टर को यहाँ से बढ़ने नहीं देंगे, लोग बाज रहे हैं, मुश्किल हो रही इन लोगों को। विरोध भाई, हम सवाल पूछे थे, तीन सवाल, एमएसपी गारंटी कानून भाई थमना उठी थी, दूसरा जो हमने किले काटी दीवार खींच रखी रोड पे वो काम है, तीसरा शुभकर्ण 22 साल का लड़का था उसको जो गोली मारी गई है, पित्तल की गोली मारी गई है भाई, रोकने का था पित्तल की गोली, ऐसे सहन नहीं करे किसान, इनको मुश्किल हो रही है गाँव में। वोट रोड शो यहाँ से निकला है, आपके द्वारा काले झंडे दिखाए क्या है? देखिए, हमने काले झंडे नहीं दिखाए, हमारा झंडे दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य ये था कि जो सरकारों ने किसानों से, इस देश के किसानों से वायदे किए थे, उन वायदों का जवाब इस देश का किसान जानना चाहता है। भाई, वायदा तो किसानों से 2014 से पहले ये किया गया था कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करके देंगे, भाई किसानों को MSP का गारंटी कानून बना के देंगे। भाई, हम तो ये पूछने आए थे कि आपने किसानों के लिए किया क्या? 2016 में उत्तर प्रदेश के बरेली से वायदा किया गया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, तो हम ये पूछना चाहते थे कि क्या देश के किसानों की आमदनी दोगुनी हुई? भाई, मनोहर लाल खट्टर हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और हमारे करनाल लोकसभा से आज प्रत्याशी भी हैं, तो हमारा औचित्य ये बनता कि हमसे सवाल करें, अगर कोई हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, कम से कम इस देश के कम से कम उस क्षेत्र के किसानों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि वो किसानों के मुद्दों को किस तरह देखता है और वो किसानों के मुद्दे पर किस तरह की बात करना पसंद करेगा। लेकिन जब वो नहीं रुके, जब वो किसानों को इग्नोर करके जाने लगे, तब किसानों ने उनको मजबूरन बस काले झंडे दिखाने पड़े, अन्यथा हमारा तो सिर्फ एक दो सवाल पूछने की बात थी कि आपने एक 22 साल के शुभकर्ण को गोली क्यों मारी, आपने सड़कों पे किले क्यों रखी, और उसके साथ हमारे जो किसान है आज, हमारे लगभग सैकड़ों किसानों को गांव की चौपाल में बंदी बना के रख लिया, ये देश में कौन सा लोकतंत्र? हम पूछना चाहते हैं कि आप लोकतंत्र की बात करते हो और कहते हो कि भारत बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज उस लोकतांत्रिक देश में आप देखिएगा कि देश के किसान जब अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व से सवाल करने आते हैं तो उनको चौपालों में बंधक बना लिया जाता है। आप क्या कहेंगे एक प्रत्याशी जो है चुनाव प्रचार के दौरान दो दो तीन तीन बसें पुलिस सुरक्षा की लेकर चल रहा है, क्या लग रहा है कि उनको कहीं ना कहीं उनको भी डर है कि उनका विरोध हो सकता है या भय उनके अंदर है? देखिए, अगर अच्छे काम किए होते तो निश्चित तौर पर जनता क्या, हम भी उनका स्वागत करते फूलमालाओं से, लेकिन आज हाथों में झंडे हैं, हम अपनी पढ़ाई छोड़ के सड़कों पे उतरे हैं, तो सीधी सी बात है कि मनोहर लाल खट्टर से जो आशा की जा रही थी 10 साल के कार्यकाल में वो नहीं पूरी की, अगर पूरी नहीं की जाएगी तो सवाल करेंगे, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि सवाल से मत डरो, जवाब दो, अगर देश के किसान कोई सवाल पूछ रहे तो आप उनका जवाब दे के उनको संतुष्ट कीजिए, वो आपके साथ जुड़ेगा। लेकिन हमने तो इसी 23 अप्रैल को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खुली चुनौती दी थी और चुनौती के माध्यम से कहा था कि आप हमारे सवालों का जवाब आमने सामने बैठ के दीजिएगा, जनता को भी पता चले, अगर हम गलत होंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने आंदोलन को छोड़ के अपने घरों की तरफ उठाएंगे, लेकिन अगर हम ठीक है तो हमारा सहयोग करो, बीजेपी सरकार को इस देश के किसानों की आवाज़ सुननी चाहिए। शाहपुर के रहने वाले हैं, 2016 में जाट डायरेक्शन में इस कसाई ने, इस खट्टर ने पौने दो सौ आदमी दर्ज कर रखे हैं और 18 तारीख 2017
सत्ता को इसने वापस लेने की हमारी थी, आज तक उल्टे लिए, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। और ऐसे ही चलता रहा, विरोध चलता रहेगा इसका, और इसको मजा चखा देंगे इस 2024 के इलेक्शन में कैसे इलेक्शन लड़ते हैं। आज क्या किया आप लोगों ने? आज काले झंडे दिखा के विरोध किया है, और हमारा ये एक बनता विरोध करना, विरोध ही कर सकते हैं हम, और इसका क्या कर सकते हैं बेशर्म आदमी का। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यनारायण है और गाँव शाहपुर का रहने वाला हूँ, और जाट आरक्षण में मेरी माँ का ही प्रचार दर्ज, मेरा भी प्रचार दर्ज, मेरी दादी का ही प्रचार दर्ज, और 85 साल की मेरी माँ है, 95 साल की मेरी दादी है, उनका ही प्रचार दर्ज है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।